लिविंग इन दिल्ली, रेंटेड घर है, लोन चल रहा है, ईएमआई है, घर में 1.5 साल का बच्चा है, दूध की शॉर्टेज है, छोटी मोटी चीज़ें, डायपर फॉर दैट मैटर, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है क्योंकि खर्चे उस हिसाब से हैं, बट इस टाइम पे हालात ऐसे हुए हैं कि राशन स्टोर नहीं की हुई है घर में, नौकरी जाने का मतलब ऐसा है कि ये करो या मरो वाली स्थिति हो गई है। 29 साल के आशीष ने बड़ी उम्मीदों से एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवल कंपनी में नई नौकरी ज्वाइन की थी, लेकिन अचानक उन्हें टर्मिनेशन लेटर मिला। इससे उनकी जिंदगी में तूफान आ गया। अब उनके सामने मुश्किलों का पहाड़ है। आई एम वन ऑफ द अनफॉर्चुनेट एम्प्लॉयज जिसकी नौकरी गई है ड्यू टू दिस कोरोना वायरस। आई हैव अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, मेरे मॉम डैड, मेरी वाइफ एंड एक 1.5 साल की बेटी है। अभी टू बी ऑनेस्ट, जिस तरीके के मतलब हालात हैं, लॉकडाउन है, ये है वो है, आई एम गोइंग थ्रू वेरी टाइट सिचुएशन एज ऑफ नाउ। घर में 1.5 साल का बच्चा है, दूध की शॉर्टेज है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है और सैलरी का कुछ पता नहीं है। हाँ, मोस्ट लाइकली शायद 31 को आएगी, बट इस टाइम पे हालात ऐसे हुए हैं कि राशन स्टोर नहीं की हुई है घर में और मार्केट खोल नहीं रहे हैं, तो एक मतलब नौकरी जाने का मतलब ऐसा है कि ये करो या मरो वाली स्थिति हो गई है। कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, सेटल डाउन होने में भी बहुत टाइम लगेगा चीज़ों को, अगर कोरोना जाता भी है। लगी लगे नौकरी गई है, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए। फादर डायबिटिक हैं, हार्ट पेशेंट है साथ में, मदर की एज बहुत ज़्यादा है, माई बोथ द पेरेंट्स दे आर लाइक क्लोज टू 65-68 और कांट से मच, मतलब अजीब ही हो गया है जो ये हुआ है। लेट्स सी, सब ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन है। सबसे ज्यादा असर एयरलाइंस और पर्यटन से जुड़े काम धंधों पर पड़ा है। आशीष फेयरपोर्टल नाम के एक ट्रेवल कंपनी में काम करते थे। इस कंपनी ने हाल ही में ज्वाइन करने वाले अधिकतर कर्मचारियों को निकाल दिया है। मेरा नाम रजनी है, मैं गुड़गांव में ट्रैवल बेस्ड कंपनी फेयरपोर्टल में काम कर रही थी। ये कोविड-19 की सिचुएशन के चलते हमें 26 मार्च को इन्होंने अपनी कंपनी से टर्मिनेट कर दिया। My name is Krishna Dutta. I am one of the employees of Fairportal who has been terminated without any reason. मेरा नाम जय मेहता है और मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ। मैं अभी दिल्ली में रह रहा हूँ और कल ही मुझे मेरे एम्प्लॉयर मेरी कंपनी ने मुझे जॉब से निकाल दिया है। मेरी कंपनी का नाम फेयरपोर्टल है जो कि सेक्टर 37 गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। मेरा नाम मुकेश है और मैं राजस्थान से रहने वाला हूँ। कंपनी से हमें फोन आया है और वो बोल रहे हैं या तो आप रिजाइन करिए Within 2 hours, अगर आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ हमें कॉल के बाद तो विल टर्मिनेट यू। अपने घर में अकेले काम करने वाले सरबजीत को उम्मीद थी कि नई नौकरी से उनकी जिंदगी पटरी पर आ जाएगी, लेकिन अब अचानक नौकरी जाने से उनके परिवार के सामने जीवन यापन का संकट पैदा हो गया। ये अच्छी सैलरी ऑफर कर रहे थे और लास्ट मंथ मेरे मॉम एक्सपायर हुए थे और उसके बाद मेरी फाइनेंशियली कंडीशन घर की थोड़ी खराब थी, तो मैं वो सोच के ये कंपनी ज्वाइन किया था। मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं इनके साथ अच्छे लॉन्ग टर्म रिलेशन में रहूंगा और इनके साथ लॉन्ग टर्म काम कर सकूंगा और एक अच्छा फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर बना के निकलूंगा। फाइनेंशियली हमको अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करना होता है। मेरे फादर हैं, मेरा छोटा भाई है जिनको सपोर्ट करना है मुझे। अब मेरी ईएमआईज होती हैं जो हमारी पेड ऑफ होती हैं, अब वो चीज़ें तो मैम रुक नहीं सकती। इनको हमने पहले ही पूछा था कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इनकी ट्रेनर ने हमको बोला कि नहीं, आप लोग बहुत सही हाथों में हैं, यू गाइज आर वेरी लकी। हमारे ओनर्स, हमारे सीईओ, हमारे मैनेजमेंट ऐसा है कि वो एम्प्लॉयज़ का बहुत ध्यान रखता है और वो कभी भी एम्प्लॉयज़ को ऐसे निकालते नहीं है। कोरोना वायरस के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार थम गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि दुनिया मंदी में चली गई है और ये साल 2009 के वित्तीय संकट से भी बुरी स्थिति है। फेयरपोर्टल ने जिन कर्मचारियों को निकाला है वो प्रोबेशन में थे और उन्होंने इस मुश्किल वक्त में ये सोचकर कंपनी ज्वाइन की थी कि ये स्थिर रहेगी। नौकरी गंवाने वाली रजनी कहती है, ये एक रेप्यूटेड कंपनी है जिसको बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था ये सोच के कि कंपनी कैप्टिव यूनिट है, जॉब सिक्योरिटी रहेगी
और अच्छा भी था जब हम वहाँ पे काम कर रहे थे, लगा कि मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। लेकिन सडनली जो ये हुआ है हमारे साथ, इसके चलते इतने सारे लोगों को इम्पैक्ट हुआ है कि हम हर दिन ये टेंशन में रहते हैं कि अब आगे का क्या करें, अगले महीने का क्या क्या करें। बहुत सारे लोग मेरे जैसे यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं, घर से दूर, घर का किराया होता है, बिल्स वगैरह होते हैं, राशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है अपनी कवर अप करने के लिए, वो हम अब नहीं कर पा रहे हैं। हमें मुश्किल हो रहा है बहुत, और हमें ये भी गारंटी नहीं है कि ये रिसेस जो चल रहा है इसमें इसके बाद हमें कोई नौकरी मिलेगी भी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वकील सैफ महमूद का कहना है कि यदि कोई कंपनी प्रोबेशन पर काम कर रहे कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करती है तो इसे कानूनी भाषा में नौकरी से निकालना नहीं कहा जाएगा। जो केस मैंने देखा है उसमें जो अपॉइंटमेंट टर्मिनेट किया गया है वो प्रोबेशन के दौरान टर्मिनेट किया गया है। अच्छा, इस पे हिंदुस्तानी कानून जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि चाहे जिस तरह का भी अपॉइंटमेंट हो, लेकिन अगर प्रोबेशन के दौरान उसको टर्मिनेट किया जा रहा है तो केवल 15 दिन की या 30 दिन की तनख्वाह या उसके बदले में नोटिस, उसके एवज में जो भी अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा है वो दे के टर्मिनेट किया जा सकता है। किसी भी वजह बताने की कोई ज़रूरत नहीं है प्रोबेशन पीरियड के दौरान अगर टर्मिनेशन है तो, क्योंकि ये टर्मिनेशन प्रोबेशन पीरियड के दौरान है इसलिए उस पर वो सारे लॉज जो हैं, वो सारे रूल्स रेगुलेशन अप्लाई नहीं होंगे जो कि एक परमानेंट अपॉइंटमेंट पे अप्लाई होते हैं। कोरोना वायरस के चलते अर्थव्यवस्था पर हुए असर से नौकरियों का जाना तय था। गुरुवार को ही संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि दुनिया भर में 2.5 करोड़ से अधिक नौकरियां जा सकती हैं। हालांकि भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने कंपनियों से कहा था कि वो इस मुश्किल वक्त में स्थायी या ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को ना निकाले। इस पर सैफ महमूद कहते हैं, जहां तक इसका सवाल है कि हरियाणा सरकार ने ये कहा है कि बहुत बुरा दौर चल रहा है, ऐसे दौर में लोगों को ले ऑफ मत कीजिए, अपने एम्प्लॉयज को निकालिए मत, इसको ले ऑफ नहीं कहा जाएगा क्योंकि जैसा मैंने समझाया ये टर्मिनेशन हुआ ही प्रोबेशन के दौरान है, यानी कि अभी इनका, इन एम्प्लॉई का अपॉइंटमेंट कंफर्म था ही नहीं, इनके पास परमानेंट एम्प्लॉयमेंट था ही नहीं, तो उनको ले ऑफ करने का जो है कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ले ऑफ सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉई को किया जा सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि इंसानियत के तौर पे ये वक्त शायद ऐसा नहीं है जब आप अपने सब के सब एम्प्लॉयज़ को या ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को प्रोबेशन के दौरान भी हटा दें। फेयरपोर्टल ने आज तक को भेजे बयान में ये तो नहीं बताया कि उसने कुल कितने कर्मचारियों को निकाला है, लेकिन ये कहा है कि कोरोना वायरस का उसकी वित्तीय हालत पर असर हुआ है। आज तक को भेजे लिखित बयान में कंपनी के सीईओ सैम एस जैन की तरफ से कहा गया है, 24 मार्च को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अनुमान लगाया था कि कोरोना वायरस की वजह से एयरलाइंस को $252 अरब का नुकसान होगा, जिसकी वजह से ट्रेवल कंपनियों में बड़े पैमाने पर नौकरियां जा रही हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी होने की वजह से फेयरपोर्टल का काम एयरलाइंस पर ही निर्भर है। उड़ानें नहीं चल रही हैं तो लोग टिकट्स भी नहीं खरीद रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से हमारा काम 85% तक कम हो गया है। हमने जिन कर्मचारियों को निकाला है वो दूसरी कंपनियों में गई नौकरियों की तुलना में बहुत कम है। कंपनी से निकाले गए अधिकतर लोग ट्रेनी थे जिन्होंने हाल ही में कंपनी ज्वाइन की थी। ये पहली बार है जब फेयरपोर्टल के इतिहास में लोगों को निकाला गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील सैफ महमूद मानते हैं कि नए कर्मचारियों को नौकरी से निकालना कंपनी की दूरगामी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। देखिए, हर शख्स अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। हो सकता है कंपनी इसके जवाब में ये कहे कि साहब वक्त तो हमारे लिए भी बहुत बुरा है और हम इनको कोई झूठा दिलासा दे के और रखे रहें और ये परमानेंट हो जाए, इनका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होते हुए तो बाकी सारे लेबर लॉज हम पे अप्लाई होंगे और चाहे हम पैसे कमा रहे हों या ना कमा रहे हों, हमारा मुनाफा हो रहा हो या ना हो रहा हो, हमको इन्हें पैसे देने पड़ेंगे, तो हमारे लिए भी उतना ही बुरा वक्त है, जिसको फोर्स मेजोर कंडीशन कहा जाता है अंग्रेज़ी में, कि अगर कोई ऐसी नेचुरल कैलामिटी या इस किस्म की कोई सूरत पैदा हो गई है जो एम्प्लॉयर के हाथ में, एम्प्लॉयर के बस में नहीं है, तो उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये एक अलग बहस है। वहीं नौकरी से निकाले गए कर्मचारी भी मानते हैं कि ये मुश्किल वक्त है, लेकिन उनका ये कहना है कि इस मुश्किल वक्त में उन्हें कंपनी के साथ की और ज़्यादा ज़रूरत थी। हम मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कि इस दुविधा के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज, हमारी कंपनी भी,
लॉस में होगी, थोड़ा बहुत रिवेन्यू कम जनरेट हुआ है बिल्कुल, क्योंकि पूरा ही देश और बाकी के देशों में भी लॉकडाउन हुआ है, लेकिन कई और कंपनीज़ को देखा जाए तो इसके अलावा बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं जो कि ये कंपनी दे सकती थी, जैसे कि LWP लीव विदाउट पे दे सकती थी, हाफ दिन की सैलरी दे सकती थी, होल्ड ऑन पे रख सकती थी कि जितने दिन आप घर पे हो उतने दिन की पेमेंट नहीं करेंगे, कम से कम जॉब तो सिक्योर रहती, कम लोगों को इतना सपोर्ट रहता, इतना उनका मन हल्का रहता ऐसे टफ टाइम पे कि कम से कम लॉकडाउन खुलने पे हम वापस ऑफिस जा सके, लेकिन अब वो भी मुमकिन नहीं है जो कि इन्होंने हमें निकाल दिया है। प्रोबेशन पर काम कर रहे इन कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने पर हमने गुरुग्राम के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर मुनीश शर्मा से जानना चाहा कि ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी, लेकिन उन्होंने हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मीडिया सलाहकार राजीव जैन से जब हमने इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें किसी के नौकरी से निकाले जाने की कोई जानकारी नहीं है, उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। वहीं नौकरी से निकाले गए कर्मचारी पूछ रहे हैं कि इस आपात स्थिति में यदि उनके या उनके परिवार में किसी की भूख से मौत हुई तो जिम्मेदार कौन होगा। ऐसे महामारी के वक्त पे जब पूरे देश के पूरे संसार के लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, सभी डॉक्टर सभी इम्प्लॉइज लगे हुए हैं, यहाँ तक कि हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने भी कई एडवाइजरी जारी करी कि जो प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट है, जो भी प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे हैं, चाहे वो परमानेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे इम्प्लॉइज हैं, उनकी सैलरी में कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, बकायदा उन्हें घर बैठे भी पैसे सैलरी पूरी आएगी और उन्हें ऑन ड्यूटी माना जाएगा। लेकिन यह हमारी कंपनी के बात समझ में नहीं आई और उन्होंने हमें कंपनी से निकालने का फैसला किया। कई लोग शादीशुदा हैं, कईयों के बच्चे हैं, मैं भी अपने घर से दूर हूँ, मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, मैं अपने घर परिवार से दूर हूँ, कैश का फ्लो ख़त्म है, 21 दिन का लॉकडाउन है, कोई भरोसा नहीं है कि 21 दिन के अंदर सारी चीज़ें सही हो जाए। अगर आगे चल के दिक्कतें और बढ़ी और कोई हम में से कोई भी भूखे प्यासे अगर दिक्कत में पड़ा और किसी को कुछ हो गया या किसी के घर में कुछ हो गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? उसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार लेगी या केंद्र सरकार में हमारे मरने की जिम्मेदारी या केंद्र सरकार लेगी? यही बात मैं पूछना चाहता हूँ और सरकार से जो ये मेरी बात सुन रहा है उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि यह मेरी बात हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों तक पहुँचाए और हमारी कंपनी से हमारे टर्मिनेशन वापस लिया जाए, वरना हमें फाइनेंशियल हेल्प मिले और जॉब सिक्योरिटी भी मिले, हमें कहीं पे लिख के दिया जाए कि हमें वापस जॉब मिलेगी। कंपनी का अपना बचाव है, वकील वो कह रहे हैं जो कानून कहता है, लेकिन ये अपने आप में मानवीय संकट है, लोगों का रोजगार जाने लगा है। अब सवाल यही है कि सरकार और कंपनियां इन बेहद चुनौतीपूर्ण हालातों से कैसे निपटेंगी।